योगेश सहनी जी की अध्यक्षता में आज इस ब्लॉक में प्रदर्शन यहाँ पे है, धरना प्रदर्शन, और यहाँ से मार्च निकलेगा राजभवन का घेराव करने के लिए, ताकि वहाँ से एक आदेश जाए वो जो प्रॉपर्टी टैक्स लेके जो असमंजस की स्थिति जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बनी है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई, आम आदमी का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। आज तो पड़ोसी मुल्क, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उन्होंने भी कल कहा कि हम एक्साइज ड्यूटी वगैरह कम करके, चाहे बांग्लादेश हो चाहे दूसरा मुल्क हो, उसमें एक्साइज ड्यूटी में कम करके लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी पोजीशन हिंदुस्तान में यहाँ पे बन गई कि सोनिया जी ने भी चार बार पत्र लिखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाई जाए, लेकिन सरकार को जून तक यहाँ पे नहीं रहेगी। जिस सरकार ने जिन लोगों के लिए कानून बनाए वो लोग सारे परेशान हैं, तो उसमें फौरी तौर पे महंगाई को कम किया जाए, और जो पैसा इकट्ठा किया गया, आज हम पूछना चाहते हैं वो पैसा गया कहाँ। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करें, जम्मू कश्मीर में कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिलता है? कोई प्रोजेक्ट बड़ा लोगों के सामने यहाँ पे नहीं लाया, और एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से सिर्फ पैसों की वसूली की जा रही है। आप ये बताएं कि जम्मू कश्मीर की जनता को दिया क्या है जिससे पैसे की वसूली करने का, टैक्स टेररिज्म को बढ़ावा देने की बात, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लूट है जिसका विरोध करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप आज सानी साहब की अध्यक्षता में तमाम जिला कमेटी के ऑफिसर, बिल्कुल तमाम जो लोग हैं इस कच्ची छोनी में धरने के माध्यम से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, और उसके बाद ये मूव करेंगे राज्य भवन की तरफ ताकि अपनी बात उन तक पहुँचा सके, फौरी तौर पर रोल बैक हो जाए प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो स्थिति जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बनी है।